Good morning class, sorry, good evening class. So let us start today's class with share capital class number 2. We were doing Companies Act chapter 4 jo ki aapka hai, which concerns this topic called share capital. एंड शेयर कैपिटल इसके पहले हम लोग दो क्लासेस किए हैं, सॉरी एक क्लासेस कर चुके हैं. तो शेयर कैपिटल चैप्टर में जो एक क्लास हो चुका है उसमें क्या हुआ है रिविजन करेंगे, एंड आज क्लास नंबर 2 में जो टॉपिक्स है वो आगे बढ़ेंगे. जैसे कि हम लोग पहला क्लास में एज अ रिविजन क्या क्या टॉपिक्स किए हैं जस्ट एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ. वी हैव डन सेक्शन 43 to 54, सेक्शन नंबर 54, स्वेट इक्विटी शेयर्स. सो एज अ रिविजन लेट मी रिकैप विथ यू. हम लोग पहले द फर्स्ट थिंग विच आई एक्सप्लेन टू यू इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो कि है सेक्शन 43 में, जिसमें हम लोग पढ़े थे इफ़ यू रिकॉल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर. एंड इक्विटी शेयर्स कैन बी अगेन ऑफ टू टाइप्स, द ऑर्डिनरी वंस एंड द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, देयर वी हैड स्टडीड 8 कंडीशंस, यू रिकॉल. ओके, आफ्टर दैट we had started with section 45 and 6 jo ki tha about share certificate and duplicate share certificate. If you recall, I had told you agar aapka share certificate kyu lagta hai, main samjhaya dematerialized format mein jahan pe securities rehta hai wahan pe share certificate is no conclusive evidence of your shareholding. But companies other than big companies or listed companies or you know private limited companies essentially do not have shares in dematerialized format, and hence the proof of showing the ownership of the shares is done through the certificate known as share certificate. Aur ye jo share certificate hote hai, ye share certificate are basically document showing title in the format of SH1, फॉर्म नंबर SH1. शेयर सर्टिफिकेट अगर खो जाए तो किस प्रोसीडियर से डुप्लीकेट मिल सकता है, कंपनी के पास एक गारंटी देके मिल सकता है, वो सारा चीज हम लोग पढ़े. उसके बाद सेक्शन 47 क्या बोलता है, विच राइट्स, वेरिएशंस ऑफ वोटिंग राइट्स. नाउ वी टॉक अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएशंस ऑफ वोटिंग राइट्स, व्हाट आर वी मीनिंग, लेट अस अंडरस्टैंड. एक कंपनी में कोई भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का कोई भी मुद्दे पे वोट करना इज इज राइट. ऑन ऑल मैटर्स प्लेस बिफोर द मीटिंग एन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैन वोट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन ही वोट ऑन ऑल मैटर्स, नो, ओनली 3 मैटर्स, यू रिकॉल कौन कौन सा 3 मैटर्स, नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन कभी नहीं बोला, स्पेशल रेजोल्यूशन बोल ही नहीं सकता हूं. Maybe you have written, but correct कर लो. See, directly affect the rights.
राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन में क्यों करेगा, ऐसा गलत छलत सेंस क्यों डेवलप कर रहे हैं. अ राइट टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशंस प्लेस्ड बिफोर द कंपनी व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट देयर राइट्स. करेक्ट इट इफ इट्स रिटन स्पेशल. हाँ ठीक है ठीक है. एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. And if you recall, I told you repayment or reduction of share capital. These three matters, winding up, reduction and any matter which concerns their right, they can vote. Then we had talked about proportionate voting rights, yani ke aapka paid up share capital jitna hai utna hi aap vote kar paoge. Clear hai? Uske baad variation of shareholders right mein main padhaya tha ke agar आप शेयर होल्डर्स का राइट को वैरी कराना चाहते हो, वेयर अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वैरिड विद द कंसेंट. स्पेशल कंसेंट यहां पे बोला था 3/4 यानी के स्पेशल रेजोल्यूशन. करेक्ट ठीक है. एंड provided दैट इफ प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेंड इन द मेमोरेंडम, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन, if such variation is not prohibited by terms of issue of such shares. Clear hai? So this is the idea of kaise shareholders right ko vary kiya ja sakta hai. Fir main bola no consent of variation can take effect if minimum 10% of the people dissenting to the idea goes to the tribunal and the decision of the tribunal will be binding or not binding. Binding. And lastly, whatever is the order of the tribunal, you will have to file with the ROC within 15 days of such order. 30 days. And default ke liye kya punishment hai, wo bhi padhe. Clear hai? Phir hum log section 49, 50, 51 ki. Yaad hai? Calls in arrear. Calls in advance. I had explained you through an example. Ke dividend and voting rights. On call scenario क्या होगा क्या नहीं होगा. मैं बोला था नो डिविडेंड नो वोटिंग राइट्स. यस और नो? हाँ है ना. सिर्फ यही नहीं, मैं बोला था इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. मिलेगा मिलेगा बोला था. ओके ऑल दीज थिंग्स सेड देन द नेक्स्ट थिंग विच वी स्टडीड वॉज सेक्शन 52 ना देख के PPBBC. पी फॉर प्रिलिमिनरी सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस. P, another P was premium on redemption of preferences and debentures. Preferences or debentures ka premium ke liye securities premium ko istemal kar paoge. One B for bonus, the other B for buyback, and lastly C for commission, underwriting commission. Clear hai? 53 bolta tha prohibition of issue of shares at a discount. Shares bola, securities nahi. Debentures तुम डिस्काउंट में इशू कर पाओगे. एंड लास्टली एक्सेप्टिंग विच शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स ही सेक्शन 54 था. क्लियर है? इज इट क्लियर? 55 से आज का क्लास शुरू होगा, जितना हो सके करेंगे. आज का क्लास में पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जो बाकी रहेगा विथ चैप्टर 5. चैप्टर 4 के बाद 5 एक छोटा चैप्टर है, मैं बोला था एकदम छोटा चैप्टर आधा क्लास के लायक. सो चैप्टर 4 का आखिरी पोर्शन एंड 5 विल बी कंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास. आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट विद सर्टेन थिंग्स विच वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज 5 के बाद आवर प्लान इज टू फिनिश 8 एंड 9 फर्स्ट एंड देन 1 एंड 2. 8 and 9 and 1 and 2. So, since we have missed classes, matlab koi agar nahi aata hai, toh jo hoga, we will be delayed. Okay. So, but if you guys continue to come, you won't be delayed, of course. Indian Contract Act will be over by Monday. Once that is over by Monday, negotiable instruments starts at Wednesday. Negotiable Instruments Act will take 4 more classes. That is 2 more weeks from the next to next week.
So within January it will be over. And alongside we will get one Monday, one Wednesday extra on the last week of Jan, which could be utilized for General Clauses Act and interpretation of statutes. So all the four Wednesdays from the next Wednesdays, all the four Fridays or all the three Fridays from the next Friday could be utilized. Why three Fridays? 10th is a Friday. 10th Friday ko wo khatam hoga. 10th Friday ke baad 17th is a Friday. 24th is a Friday. 31st is a Friday. So all the three Fridays would be utilized for chapter 1 to 1 day. Chapter 1 to 2nd day. And chapter 8, 9, 1 day. So first week of February tak baat nahi jayega. End of January tak ho jayega. Theek hai? Thank you. But for that, you guys will have to attend all classes. Make sure. At least one of you attending. That's the criteria. Okay. So, I just planned in between. Let us start with section number 55 today. And let us see what is there. This is another topic. If you recall, last class mein main ye chapter padhate waqt aap log ko kaha tha ki ye pura accounts ke saath milta hai. अकाउंट्स और ऑडिट के साथ बहुत सारा कॉमन पोर्शंस है, इसीलिए कहा था देखो अभी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ये भी अकाउंट्स में अलग से तुम लोग को पढ़ाया गया है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस. हाँ या ना? एक्चुअली द नेम ऑफ द टॉपिक इज इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस. ओके हाँ क्लास के बाद ओके करीबन 7 बजे दे दीजिए. ठीक है, आई विल डिस्कस द पेपर टुडे. ओके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नाउ ये जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ये क्या है सर? ये शेयर होल्डर्स है, ये कंपनी को पैसा दिया, कंपनी बदले में इन लोग को शेयर इशू किया. और ये जो शेयर्स इशू किया कंपनी ने इन लोग को, ये शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स है. दिख रहे प्रेफरेंस शेयर्स से इन दोनों को, इन शेयर होल्डर को क्या प्राप्त हुआ? दो राइट्स, एक फिक्स डिविडेंड्स और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का वादा और डिविडेंड्स बिफोर इक्विटी का वादा. तभी तो नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. बट बता दूं प्रेफरेंस शेयर्स बहुत तरह के होते हैं. कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं परपेचुअल यानी कि इरिडीमेबल, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं रिडीमेबल, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं पार्टिसिपेटिंग, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग. सर ये जो टाइप प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये क्या क्या है? मैं बोला प्रेफरेंस शेयर्स कुड बी रिडीमेबल इरिडीमेबल, देन आई सेड प्रेफरेंस शेयर्स कुड बी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, देन आई सेड preference shares could be participating or non participating. Now what is the meaning, what are the types, let us understand here only. Bahut acche se. Acha sir ye jo preference shares hai redeemable irredeemable, इसका मतलब तो एकदम आसान है. रिडीमेबल मतलब तुम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर पाओगे एन नंबर ऑफ इयर्स बाद, वो तुम कह दोगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 20 साल 15 साल 18 साल लॉन्ग टर्म्स या फिर 12 10 5 8. क्लियर है? अच्छा सर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है और इरिडीमेबल का मतलब उसके पहले समझाइए. इरिडीमेबल का मतलब हो गया ये इक्विटी शेयर कैपिटल जैसा. इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या कोई टेन्योर होता है? नहीं. Irredeemable preference shares का मतलब ही होता है कि it is not redeemable, you will have to hold it perpetually. India में irredeemable preference shares या irredeemable कोई भी security मना किया हुआ है.
20 साल के अंदर हर एक सिक्योरिटी को रिडीम करना ही है हर एक कंपनी को, दैट इज द रूल इन इंडिया. क्लियर है सर? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है और क्या मतलब है इसका? क्यूमुलेटिव का मतलब है एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें अगर डिविडेंड तुम पे ना करो तो ये डिविडेंड अगला साल जब प्रॉफिट होगा तब पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड. That is the dividend keeps on accumulating and that is why it is known as cumulative preference shares. Non-cumulative का मतलब है उल्टा. Dividend अगर नहीं मिला तो भूल जाओ, ये जम जाएगा नहीं, outstanding नहीं रहेगा. Participating preference shares का मतलब हुआ कि जो preference shares will participate in the excess profits of the company if any. यानी कि जितना profits इक्विटी डिविडेंड्स के लिए काफी है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा अगर कंपनी ने कमाया तो वो एक्सेस या सरप्लस प्रॉफिट्स में हक प्रेफरेंस शेयर को भी मिलेगा अपना शेयर कैपिटल का रेशियो में. एंड दैट दोस काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर है? ओके सर, अभी तो बता दिए इतना तरह का प्रेफरेंस शेयर्स होता है. अब मेरे को बताइए रिडेम्पशन कैसे होगा, क्या होगा? अब बोला जा रहा है देखो कि रिडेम्पशन जब होगा, व्हेन यू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, जो आप लोग वो चैप्टर में भी पढ़ते हो अकाउंट्स वाला रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अभी तो एक पॉइंट मैं थोड़ा देर पहले बोला था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेक्शन 52 परमिट्स. याने के प्रीमियम अलाउड है बट क्या कैपिटल पोर्शन अलाउड है? नहीं. सो सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन अगर बात किया जाए, अच्छा बोलो पहला सोर्स क्या है? कैन यू रिडीम प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स? यस, आउट ऑफ प्रॉफिट्स आप रिडेम्पशन कर सकते हो. कौन सा प्रॉफिट? फ्री रिजर्व्स. यस, फ्री रिजर्व्स. यानी कि फ्री रिजर्व्स का एग्जांपल क्या है सर? जनरल रिजर्व, पीएल. सर सिक्योरिटीज प्रीमियम? नो, नॉट सिक्योरिटीज प्रीमियम, एनी अदर प्रॉफिट्स विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स, एनी अदर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. इज इट क्लियर? ओके. नंबर टू फ्री रिजर्व्स के बाद जो है नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या होगा? अच्छा बोलो तो इशू, अगर मैं ऑल्टरनेट शेयर कैपिटल इशू करूं तो फिर वो शेयर कैपिटल से क्या रिडेम्पशन हो पाएगा? हाँ, ऑल्टरनेट शेयर कैपिटल. सर क्यों ये? अच्छा तुम लोग सुने हो कि कोई कंपनी अगर रिडेम्पशन करता है तो जितना कैपिटल रियूज हो रहा है उतना कैपिटल उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है, और वो जो रिप्लेनिश करता है अगर प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीम कर रहा है तो शेयर कैपिटल घट रहा है, तो जितने से शेयर कैपिटल घटने का उतने से उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. क्या बढ़ाना पड़ेगा? शेयर कैपिटल को अल्टरनेटिवली. तो बोलो प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीम करोगे तो अल्टरनेट कैपिटल क्या है? डिबेंचर या फिर इक्विटी? सर इक्विटी है, डिबेंचर नहीं है. हाँ, एंड अगर तुम शेयर इशू नहीं कर रहे हो तो तुम प्रॉफिट से भी कर सकते हो. यू हैव टू ट्रांसफर द फ्री रिजर्व्स इन द CRR, in the CRR, to the CRR. ये जो CRR है, इसका full form है capital redemption reserve. You are redeeming your capital, that's why you are making a reserve to that effect. And that CRR can only be used or utilized in issuing free bonus shares to the shareholders. इसका मतलब CRR free reserve से ही होगा, क्योंकि bonus भी free reserve से दिया जाता है self for self. And ये CRR का मकसद जो है वो है उससे खाली बोनस ही इशू हो पाएगा, अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कल्मिनेट होगा. क्लियर है? सो दिस इज द फंडा ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो तुम लोग सीखे थे कहां पे? अकाउंट्स में. लेट अस गो थ्रू द रीडिंग पार्ट ऑफ इट. एक बार देखो,
सर ये तो आप बताए नहीं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। हाँ, और एक तरह का प्रेफरेंस शेयर्स होता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। मेरा बात सुनना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि जब रिडीम्शन रिमेबल है, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स आर अबाउट टू बी रिडीम्ड, एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी टू द शेयर होल्डर्स द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो पैसे के बदले इक्विटी शेयर्स देना इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट कन्वर्टेबल जो है ये मैंडेटरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है। यानी कि मैंडेटरी का मतलब मैंडेटरीली कन्वर्टेड, ऑप्शनल का मतलब है तुम्हारे ऊपर है, तुम कन्वर्ट करो या ना करो। इज इट क्लियर? सो दिस इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ओके सर, नेक्स्ट रीड। आई टोल्ड यू कि कोई भी कंपनी आजकल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल कर पाएगा? इशू नहीं। और रिडेम्पशन भी कितने दिन के अंदर होना चाहिए? विद इन 20 years, दैट इज रिटन इन द सेकेंड लाइन। एंड द लास्ट लाइन टॉक्स अबाउट व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है वो खाली 20 साल के ऊपर का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नीड्स ह्यूज फंड्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बैंकिंग कंपनीज कैन ऑल्सो डू इन रियल लाइफ मोर देन 20 ईयर्स का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, बट प्रॉफिट कैसे होगा? हाँ, एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ सच रिडेम्पशन। सोर्सेस, ये क्या है? सोर्सेस ही बोल रहे हैं, मैं अभी दिखाया। रिडीम शेयर्स ये मैं नहीं बोला, बट अकाउंट्स में टीचर बोलता है कि रिडेम्पशन होने से पहले फुल्ली पेड अप होना चाहिए। Redeemable preference shares fully paid up हो तभी redemption कर पाओगे। फिर proposed shares to be redeemed shall be transferred to CRR. Clear है? That is redemption and revision of redemption from accounts perspective also. Okay. Now transfer and transmission of securities, section 56. Today the plan is till 7 हम लोग करेंगे। Till 7 के बाद we will take up the question paper and discuss all the question answers. तो of course you have given the exam, तो जो देगा उसको benefit मिलेगा। लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो एग्जाम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा आज। तो लेट अस क्विकली डू सो दैट वी कैन फिनिश द पोर्शन वी आर सपोज टू फिनिश। आई विल ऑल्सो शेयर द आंसर विद यू ऑनलाइन। ओके, सो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सर क्या है ये? सेक्शन 56 पहले बताओ, बोलता है अगर ये मिस्टर ट्रांसफरर है, और ये मिस ट्रांसफरी है, तो ये अपना शेयर्स इसको ट्रांसफर कर रहा है, इन लोगों को कैसे ये शेयर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही चीज पूछ रहे, यही ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक्शन 56 इसी के लिए बनाया गया है, जाके इसका जो लीगैलिटी है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में, कैसे कौन किसको ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने में कंपनी से कैसे कम्युनिकेट करेगा और कंपनी फर्दर क्या करेगा, यही सेक्शन 56 बोल रहे। सेक्शन 56 पहला चीज जो बोल रहे वो ये बोल रहे कि ट्रांसफरर या ट्रांसफरी कंपनी को खबर देगा ट्रांसफर के बारे में, और उससे भी पहले एक बात बोल रहे ट्रांसफर कैसे होगा, बोल रहे ट्रांसफर होने के लिए दे विल हैव टू मेक अ ट्रांसफर डीड, अ ट्रांसफर डीड इन अ स्टैम्प पेपर है ना, एंड
एंड ये ट्रांसफर डीड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए. फिर बोला कि ये ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होने का 60 दिन के अंदर अंदर, एग्जीक्यूशन का 60 डेज के अंदर अंदर, ईदर द ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी will have to intimate the company within 30 days, and will have to intimate the company in form number transferor agar karega to SH5, transferee agar karega to SH6. ठीक है, अगर दोनों चाहे तो दोनों पता लगा सकता है, दोनों कर सकता है. ठीक है. अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का नंबर है SH4. दिस फॉर्म द डीड, द फॉर्मेट ऑफ द ट्रांसफर डीड इज फॉर्म नंबर SH4. सर ये जो जमा देगा, ये कंपनी को ये डीड भी जमा देगा ना? हाँ, ये 60 दिन के अंदर. एंड इसके साथ SH1 भी देगा. क्या देगा? SH1. ठीक है, ये 60 डेज के अंदर, और कंपनी को ये SH5 एंड SH6 देगा विदिन 30 डेज. एंड कंपनी विदिन 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग दिस SH5 और SH6 शैल गिव द इंटीमेशन टू ROC. सो दिस इज द टोटल यू नो portrayal of the facts related to transfer of shares. Now this can only happen in transfer of which shares in dematerialized format or physical format? Physical, of course sir. So physical shares transfer karne ke liye ye karyakram hai, जहां पे कंपनी अपना रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स में या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपडेशन तभी करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपडेशन तभी करेगा व्हेन कंपनी सैटिस्फाइड दैट दिस हैज हैपेंड. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा ना, ट्रांसफरर से ट्रांसफरी का नाम लिखना पड़ेगा ना. अच्छा, यहां पर और एक चीज है. ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफरी को ट्रांसफरर ने पार्टली पेड अप शेयर्स दिया. हाँ, पार्टली पेड अप शेयर्स का नाम, ट्रांसफरी का नाम रिकॉर्ड करने से पहले कंपनी डरेगा, बिकॉज पार्टली पेड अप शेयर्स में लाइबिलिटी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, विच इज रिस्की. सो ट्रांसफरी में डिनाई. इफ द फॉर्म, शेयर ट्रांसफर फॉर्म इज नॉट प्रॉपरली साइंड बाई द ट्रांसफरी एंड द एप्लीकेशन फॉर शेयर ट्रांसफर इज नॉट साइंड बाई द ट्रांसफरी, यानी कि कंपनी को SH6 नहीं मिला, सिर्फ SH5 मिला, तो कंपनी पहले SH6 ने यानी कि ट्रांसफरी से पूछेगा कि क्या आपको पता है या एतराज है ये रिकॉर्ड करने से, वही 14 दिन वाला नोटिस. अगर कंपनी को कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो कंपनी रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो नहीं. क्लियर है? पूरा समझ में आया सबको? सो वंस अगेन आई विल रिकैप द नैरेटिव इन अ स्टोरी. एक पर्सन अगर दूसरा पर्सन को अपना शेयर जो कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, SH1 शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में है, अगर ट्रांसफर करे तो ट्रांसफरी या ट्रांसफर दोनों ही कंपनी को बताएगा ये फैक्ट एज सून एज पॉसिबल विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर SH5 और 6. देन द कंपनी इन टर्न विल रजिस्टर दिस or intimate the registrar about the transfer, and it will also simultaneously update its own register. If it's a partly paid up share, then the company will seek confirmation from the transferee. Hayana. And this thing is the provision of section 56. Clear hai? Sir, transfer or transmission mein kya farak hai? Bahut bada farak hai. Transfer is mostly voluntary. Transfer is mostly, transmission is mostly involuntary. ये सबसे बड़ा फर्क है. देखो, आज अगर मैं नहीं, कोई और अगर मर जाता है
तो फिर उसका जो शेयर्स है उसका लीगल हेयर को लीगली ट्रांसमिट हो जाता है, लीगली ट्रांसमिट हो जाता है. तो ट्रांसमिशन इज लाइक अ इनवॉलंटरी ट्रांसफर, इनवॉलंटरी ट्रांसफर थ्रू लीगैलिटीज. हाँ है ना, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सर. सर ये जो कंपनी है, कंपनी कंपनी कब कब शेयर रजिस्टर करते हैं? एक डेडलाइन है, एक डेडलाइन है. सो अगर शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इशू हुआ है, यानी कि न्यू इशू मार्केट, यानी कि जिसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, कंपनी आईपीओ लाया है या एफपीओ लाया है, डेट ऑफ अलॉटमेंट का 30 दिन के अंदर अंदर उसको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. सो डेडलाइन फॉर इशू ऑफ, डेडलाइन फॉर इशू ऑफ SH1 यानी कि शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, इन केस ऑफ आईपीओ और एफपीओ 30 days, within 30 days from date of allotment. In case of share transfer, अभी जो SH4 वाला केस है, in case of share transfer यानी कि secondary market, तो फिर 30 days from date of transfer. अगर डिबेंचर का बात है तो फिर वो 6 months हो जाएगा. इफ द इंस्ट्रूमेंट इन क्वेश्चन इज अ डिबेंचर एंड नॉट अ शेयर, देन इट शैल बी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months फ्रॉम इशू और ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर. क्लियर है? सो बोथ दीज थिंग्स आर गिवन, लेट अस सी वन बाय वन इन आर नेक्स्ट टॉपिक. सेक्शन 56 एक बार आ जाओ, सेक्शन 56 पढ़ते हैं. रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी अनलेस अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, हाईलाइट द वर्ड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, मैं बोला ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड डेटेड and executed by or on behalf of the transferor and the transferee specifying the name address has been delivered to the company by transfer or transferee within a period of 60 days from date of execution. अच्छा यहाँ पे एक गलती है, मैं 30 days जो लिखा था वो 60 days लिखा, हाँ ये 60 days यहाँ पे भी आएगा ना, मैं एक जगह 30 लिख दिया और एक जगह 60 लिख दिया, ये तो congruent होगा ना. सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, प्लीज करेक्ट इट. दोनों जगह 60 होगा ना, अलग कैसे होगा? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बताना पड़ेगा, है ना? 60 देखो. ओके नाउ अलोंग विथ सर्टिफिकेट, मैं बोला ना SH4 के साथ SH1 भी जाएगा. टू द सिक्योरिटीज और इफ सच सर्टिफिकेट इज इन एग्जिस्टेंस अलोंग विथ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट. अच्छा ये क्यों बोला? अगर सर्टिफिकेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो अलॉटमेंट लेटर के साथ दो, यानी कि अलॉटीज लोग को तो कंपनी के पास टाइम है डेट ऑफ अलॉटमेंट से शेयर सर्टिफिकेट देने का. हाँ है ना? ओके देन देन दिस इज ट्रांसमिशन. एक बार ट्रांसमिशन पढ़ो, ट्रांसमिशन पढ़ो. बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग ट्रांसमिशन, ये चार्ट को भी थोड़ा ठीक कर दूं, अभी बोलते वक्त याद आया. ठीक ही है ये, अभी बोला था आईपीओ एफपीओ से 2 महीने तक कंपनी का पास टाइम है टू इशू SH1, तब तक अलॉटीज के पास क्या है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट, वो दिखा के भी ट्रांसफर हो सकता है इफ दे वांट टू ट्रांसफर विद इन 2 months.
Now you got it? So read that. Please quickly read that.
Yeah. So, when an application is made by the transferor alone and not by the transferee, that means, and relates to partly paid shares, I told you the company must give notice to the transferee. The transfer shall not be registered unless the company gives notice of the application within 2 weeks. Okay? Asking the transferee to revert, no objection, within 2 weeks. Okay? This is the table which I also drew. Okay? Within 2 months, and transfer within 30 days or 1 month, and in case of allotment of debenture within 6 months. Is it clear? Let us quickly do section. Okay. So the next is punishment for personation of shareholder. This word personation we had come across in section 38. Section 38 relates to penalty for, you know, mistakes in prospectus. Okay, so penalty for misstatements in prospectus ka jo provisions the section 34 se leke 38 mein ye jo shabd hai personation hum log pehle dekh chuke hai. Haan ya na? Personation ka matlab hota hai nakal utarna. Haan ya na? To socho, punishment for personation of shareholder yaane ke agar koi dhoke ke saath kisi ka nakal धोखा देने का इरादे से किसी का नकल उतारे, यानी कि मैं अगर सिक्योरिटी का जो शेयर वारंट है या इंटरेस्ट का कूपन है वो अगर ऑब्टेन कर लिया किसी से, और या फिर ऑब्टेन करके उसका फायदा ले लिया कंपनी से, तो ये अगर बाद में पकड़ा गया मैं किया हूं तो फिर मेरे ऊपर पनिशमेंट क्या आएगा, वही सेक्शन 57 बता रहा है. ठीक है, सेक्शन 57 टॉक्स इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट्स एज एन ओनर ऑफ अ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी ऑफ और ऑफ एनी शेयर वॉरेंट और कूपन इश्यूड इन पर्सुएंस ऑफ दिस एक्ट. If I pretend or personate to be the owner of that, thereby obtains or attempts to obtain any such security or interest or any such share warrant or coupon, or receives or attempts to receive any money due to any such owner. Tino cheez bola. Then, 1 se 3 saal minimum jail hoga, or, yani ki and, Hindi mein or, fine hoga 1 lakh se 5 lakh. क्लियर है? सेक्शन 57 यही बोलता है, एकदम आसान सा सेक्शन है. ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलता है. सेक्शन 58 वंस अगेन नीड्स टू बी डन इन अ चार्ट एंड व्हाइट बोर्ड. सो कम टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 58. Okay, now, if you refuse to register the transfer of securities as a company, transferor ने मेरे को request किया कि ये मैं transfer किया transferee को, ये please register कर लीजिए, मैं company हूँ, मैं refuse किया. तो मैं रिफ्यूज क्यों कर रहा हूं और रिफ्यूज कर रहा हूं, ये मेरे को ट्रांसफर को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ट्रांसफरर को बताना चाहिए, और कोई पर्टिकुलर निर्दिष्ट समय के अंदर बताना चाहिए, और उसके साथ ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल भी बताना चाहिए, किस लिए मैं रिफ्यूज किया. और अगर ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल और ये रिफ्यूजल अगर अनजस्ट है तो कंपनी को हक होना चाहिए, सॉरी ट्रांसफरर को हक होना चाहिए और राइट होना चाहिए और उपाय होना चाहिए कि वो कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी मूव करे या ना करे. करे. तो दिस इज द फंडा एंड जिस्ट ऑफ सेक्शन 58.
and the time limits for refusal and communication of refusal and taking action for refusal will vary from a private company to a public company. From a private company to public company. Is it clear? Is it absolutely clear? Now let us see the time limits in a chart and then we will see the words. Okay. Number one, if it's a private limited company. Number two, if it's a public limited company. Okay. Yahan pe column mein, when notice of refusal served by company, not served. Are you getting me? To char permutation combination ho payega. Haan hai na? Are you getting me? Okay. Now the base. Acha bolo. Agar company ko tum apply kiye, to tumhara application for transfer register karne ke liye application of registration of transfer ka din se 30 days ke andar, 30 days within 30 days from application, the company shall give you notice for refusal. And as a repercussion, you as a transferer can go against this notice to the tribunal within next 30 days from the receipt. Within 30 days from the receipt. Samajh mein aaya? Bahut aasan cheez bola. Bahut aasan cheez bola. Aur yahi cheez अगर तुमको नोटिस सर्व ही नहीं किया, नोटिस सर्व होने का डेडलाइन क्या था? 30 दिन. ये देखो, एप्लीकेशन मिला कंपनी को, एप्लीकेशन से 30 दिन, देखो एप्लीकेशन से 30 दिन के अंदर नोटिस दिया रिफ्यूजल का, और उसके 30 दिन के अंदर एनसीएलटी में मूव किया. हाँ है ना? अपील. इज इट क्लियर? इफ नो नोटिस इज सर्व, व्हाट शुड बी इट टू मेक इट इक्वल? 30 days or 60 days? 60 days. If no notice is required, served, then application ka 60 din expired hone ke andar, you can move. Hone pe you can move. Clear hai? Is it looking just? Okay. Now, the same thing, if it's a public limited company. Achha, public limited company bada hai. तो टाइम लिमिट बड़ा होगा या छोटा? बड़ा. सो यहां पे सेम चीज है, खाली ये देखो सेम चीज यहां तक है. 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस कंपनी को रिफ्यूजल का देना पड़ेगा. हाँ है ना सर? 30 नहीं, 60 बड़ा है. आप बोले हाँ, 60 दिन के अंदर देना पड़ेगा, और उससे 30 दिन के अंदर अंदर तुम जा पाओगे कहां? ट्राइब्यूनल. तो टोटल याद रखना खाली 90 दिन, और यहां पे अगर नोटिस नहीं दिया तो 90 डेज ही हो जाएगा. हाँ है ना? इज इट क्लियर? सो दिस इज द आइडिया ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर. इज इट क्लियर? सो सर, इसका वर्डिंग्स कहां पे लिखा है पढ़ लो. सेक्शन 58 प्लीज रीड. इज इट क्लियर? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बारे में बोला. इफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
refuses to register the transfer or transmission of any security or interest, company shall send notice of the refusal to the transferor and the transferee. तो दोनों को भेजना पड़ेगा. Within a period of 30 days from date on which instrument of transfer यानी कि SH4 was delivered to the company. हाँ ना. Transferee may appeal to the tribunal within period of 30 days from date of receipt of the notice. Or in case no notice has been sent by the company within a period of 60 days. Clear है? From the date on which the instrument of transfer of intimation or transmission was delivered to the company. If a public company without sufficient cause refuses to register the transfer of securities within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission is delivered, the transferee may within a 60 days of refusal, no intimation has been received, or within 30 days appeal to the tribunal. खाली ये diagram में 60 30 आगे पीछे हो गया है. ये 60 होगा, ये 30 होगा, कर दे रहा हूँ. Is it clear? Tribunal move करने का 2 महीने का time है, उसका same time है 30 दिन. Clear है? Public limited company तो ज़्यादा दिन किसका है? Tribunal appeal करने के लिए. पूरा clear है ना? Section 58. Okay. Now let us move to the next sections. Okay. We are doing one by one all sections. जितना section हो सके आज करके रखेंगे, जाकि अगला दिन minimum number of sections करना पड़े और अगला दिन उसके साथ साथ chapter 5 भी हो जाए. That's the plan. Okay. Dealing with an appeal. ये बहुत important है. ये क्या बोला है एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद I'll discuss. अगर NCLT hearing के बाद ऑर्डर देगा तो कैसे देगा? बोल रहे कि डीलिंग विद एन अपील में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, एनसीएलटी में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ईदर डिसमिस द अपील और बाय ऑर्डर डायरेक्ट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी. दोनों में से एक करेगा, या कंपनी सही है या फिर पार्टी यानी कि ट्रांसफरर या ट्रांसफरी. विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर के NCLT बोलेगा कि देखो 10 दिन ऑर्डर मिलने का 10 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर रजिस्टर हो जाना चाहिए और वे डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड आल्सो डायरेक्ट कंपनी टू पे डैमेजेस. इफ द पर्सन कॉन्ट्रवेंस द ऑर्डर देन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 2 years एंड फाइन 1 to 5 lakhs. तो देखो ये फाइन सेम एज अबव है, तो लिख के रखो सेम एज 57 यानी कि पर्सोनेशन. हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? सेक्शन 50 सीरीज का लास्ट सेक्शन, फिर 60 शुरू होगा. 60 ही अपना आखिरी है, 76 तक अपना है सिलेबस में. 76 तक, 77 से तो हो चुका है चार्जेस. व्हाट आई मीन टू से 72 तक चैप्टर 4 में है, 73 से 76 चैप्टर 5 में है, 76 तक अपने को करना है 60 से. ऑफ कोर्स 60 से 70 के अंदर भी बहुत सारा सेक्शन आज ही देख लेंगे 7 बजे तक. ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन एज यू नो, एज यू कैन सी, इट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. इसका मतलब क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी कि फॉर्म नंबर MGT 1, याद है सेक्शन 88, सेक्शन 88 में रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स चैप्टर 7 मैं पढ़ाया था. मैं बोला था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हर एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है और ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कंपनी का हेड ऑफिस में रहता है, याद है? और ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा वो लेके ही बातचीत है. तो देखो, रेमेडी टू द अग्रीव फॉर नॉट कैरिंग द चेंजेस इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. यानी कि आज अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ठीक है,
दर्ज हो गया या दर्ज हुआ ही नहीं, या फिर गलत तरीके से दर्ज हुआ है और रेक्टिफिकेशन हुआ नहीं, या फिर आपका नाम दर्ज करने के लिए बहुत डिले हो रहा है, तो आप अगर अग्रीव्ड हो तो आपको क्या सलाह मिल सकता है? बोला है कि आप सीजी को यानी के ट्राइब्यूनल को एनसीएलटी को आप खबर दोगे एंड रेक्टिफाई करने का ऑर्डर वो लोग देगा, रेक्टिफाई करने का ऑर्डर रजिस्टर को वो लोग देगा, देन द कंपनी विल हैव टू रेक्टिफाई इट. सो सेक्शन 59 इज एम्पावरिंग अ पर्सन अग्रीव्ड who wants to rectify the register of the members or rectify his entry in the register of members or include his name in the register of members, how he can do so. Clear hai? Okay. Section 61 se 68 jo hai, ye alteration of share capital, chapter ka naam to share capital hi hai, matlab topic ka naam hai alteration of शेयर कैपिटल. इसमें सारा सेक्शंस तो आज नहीं होगा, बट कुछ सेक्शंस हो जाएगा जो अकाउंट्स के साथ कॉमन भी है. मैं बता दूं इसमें क्या क्या अकाउंट्स के साथ कॉमन है. आप लोग पढ़े होंगे सेक्शन 63 इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये तो एक चैप्टर ही है सर. हाँ, वो चैप्टर अकाउंट्स का भी रिपीट हो जाएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स. देन वी हैव अनदर चैप्टर सेक्शन 68 बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना. So these are all sections which are common and related to your accounts. Section 66 bhi naam sune ho, capital reduction. Hai na? So all these are not unknown to you. So section 71 is redemption of debentures. Clear hai? So, अभी तक चैप्टर का एंड तक ये चार सेक्शन तो अकाउंट्स के साथ पूरा हूबहू कॉमन है. इनफैक्ट सेक्शन 61 अभी बोलूंगा, सेक्शन 60, 61, 62, दीज आर ऑल रिलेटेड सेक्शंस. राइट इशू, इशू ऑफ बोनस जैसे राइट इशू भी होता है एंड एटसेट्रा. सो व्हाट आई मीन टू से इज Almost all of the sections now which we are going to study are mapped in your account syllabus and that's why they are interrelated. पढ़ाई एक का बहुत अच्छे से करने से दूसरे का थ्योरी पूरा याद रहेगा. क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ इन दिस स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसमें ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल समझाने से पहले मैं ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होता है लिख दिया. आई एम सॉरी, प्लीज हैव अ लुक. ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल जो कहां पे लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी में, हाँ कैपिटल क्लॉज में, मींस सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम. इसलिए लैंग्वेज क्या है, ऑथराइज बाई वॉट, मेमोरेंडम, इसीलिए तो नाम है ऑथराइज कैपिटल. टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. माई क्वेश्चन टू यू, चैप्टर 2 में ही हम लोग सीखेंगे आइडियली, बट अभी एक सवाल रख रहा हूं कि क्या एक कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकता है? आंसर इज येस, बाई ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हाँ, उसके लिए क्या लगेगा, वही तो चैप्टर 2 का पढ़ाई है. क्लियर है? ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. नाउ यू कैन ऑल्सो सी सेक्शन 215 स्टेट्स व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल. नाउ आउट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल जो आप पेमेंट के लिए मांग चुके हो पब्लिक से इशू करने के बाद, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल. तो देखो लैंग्वेज क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 स्टेट्स कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट. इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 63 व्हिच टॉक्स अबाउट 62, नेक्स्ट दिन करेंगे विद 64 एंड 65 एंड 66. ठीक है, we will try and finish 63 and 67 if possible and also 68 start kar payenge khatam kar payenge ke nahi dekh lenge, 68 tak kar payenge. theek hai, practical and agla bacha bucha jo bhi section hai next class mein ho jayega.
एक घंटे के अंदर, फिर बाकी डेढ़ घंटे या एक घंटे के अंदर चैप्टर 5 भी हो जाएगा, सेक्शन 73 से 76। ओके, दैट इज ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। बोलो, ये बचपन में अकाउंट्स में पढ़ाया जाता था। सर बचपन कहाँ, इंटर में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, इंटर में अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है, बीकॉम में है। सर बोनस शेयर्स होता क्या है? एक कंपनी है, कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स है, क्लियर है? नाउ ये फ्री रिजर्व से, ये फ्री रिजर्व से कंपनी क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है सर। डिविडेंड बांट सकता है, हाँ है ना, हाँ है ना सर। रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, अभी देखिए ना, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन में फ्री रिजर्व काम आ सकता है, हाँ है ना। यानी कि सीआरआर में बदल सकते हैं, हाँ है ना। सो कैन आई से बोनस भी दे सकते हैं? सर बोनस क्यों देगा? हाँ, फ्री में शेयर्स दिया, डिविडेंड मतलब पैसा दिया, डिविडेंड ना देख के अगर फ्री में शेयर्स दिया तो क्या गल है, क्या दिक्कत है, क्या इशू है? नो इश्यूज। बट व्हाई विल अ कंपनी गिव फ्री नंबर ऑफ शेयर्स? बिकॉज सम पीपल मे थिंक दैट इट इज अस ऑल्टरनेट टू डिविडेंड, बट आई टेल यू, alternate to dividend you cannot issue bonus shares, that is prohibited by section 123 of companies act 2013। section 123 अभी हम लोग पढ़े नहीं, वो chapter 9 है, that is chapter 8। okay, dividend, but वो हम लोग जब पढ़ेंगे मैं समझाऊंगा, but अभी को relate करने के लिए एक बार याद दिला दूं, तब भी बोलूंगा कि bonus share में मैं पढ़ाया था section 63 में कि bonus is not a substitute for dividend, but if you think फ्री रिजर्व्स को अगर डिविडेंड दे दो तो हाथ में पैसा दे दे रहे हो कंपनी से, इसके बदले अगर तुम बोनस दो, यानी कि फ्री नंबर ऑफ शेयर्स इशू करो, कैपिटल में बदल दे रहे हो ना रिजर्व्स को, कैपिटल में बदल दे रहे हो रिजर्व्स को, यानी कि तुम्हारा इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल कच्चा से पक्का हो गया या कच्चा रह गया? कच्चा से पक्का हो गया, यानी कि ये रिजर्व्स तो कभी भी उन लोग वो लोग लेके चला जाते, अभी अगर बोनस शेयर इशू कर दिए क्या शेयर कैपिटल कभी भी रिडीम करना पड़ेगा? नहीं, इट बिकेम अ परपेचुअल सोर्स ऑफ कैपिटल इफ यू कन्वर्ट योर फ्री रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस शेयर्स और बाय इशूइंग बोनस शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। इज इट क्लियर? सो इशू ऑफ बोनस शेयर्स में अकाउंट्स टीचर लोग क्या लिखाता है? इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स को कैपिटल में बदलना ही होता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो लिखो, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। सो इशू ऑफ बोनस शेयर्स का मतलब क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अच्छा बोलो, फ्री रिजर्व्स तो अभी सीख लिए, सोर्सेस ऑफ बोनस, मेरे को और दो सोर्सेस बता पाओगे ना देख के? मेरे को एक बार याद करके बताओ, सेक्शन 52 में अभी पढ़े ना, पीपीबीबीसी यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर 5 पर्पसेस, वन ऑफ द 5 पर्पसेस फॉर बी फॉर बोनस,
B for bonus, P P B B C. बायबैक का बात अभी क्यों बोलूंगा बेटा, ठीक है? सोर्सेस ऑफ बोनस बोल रहा हूं, तो फिर बी फॉर बोनस, यानी कि बोनस शेयर्स भी क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम से अकाउंट से इशू हो सकता है? बिल्कुल. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स आल्सो. क्लियर है? बोनस का सब में गलती मत करना है. एसपी अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड. लास्टली, अकाउंट हुआ नहीं, ठीक है? लास्टली वन मोर रिजर्व इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बोनस. वो भी तो लास्ट सेक्शन 55 में आज ही पढ़ाया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, CRR. तो जो भी CRR ऑलरेडी बैठा है उससे तो बोनस पहले इशू होगा. The order is this. Firstly, we utilize CRR if any. Secondly, we utilized SP if any. And lastly, we utilized any other free reserves. क्लियर है? इज इट एब्सोल्यूटली क्लियर? सर बोनस के लिए क्या कोई conditions या क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है? हाँ, बोनस के लिए भी कंडीशन है. व्हाट आर द कंडीशन सर? कंडीशन समझाइए. कंडीशंस कुछ ऐसा है. कंडीशन नंबर वन, एक ओआर. सर ओआर काफी है? हाँ, ओआर प्लस बीआर पास कराओ, ओआर प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराओ. नंबर टू मेरे को बताओ, बोनस किन लोग को दोगे? फुल्ली पेड अप वालों को या पार्टली पेड अप वालों को? फुल्ली पेड अप वालों को, ऑफ कोर्स. एंड लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोला था कि आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज बहुत सारा प्रोविजंस में रहेगा. आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, ये कॉमन पॉइंट हो गया. एंड लास्टली वन मोर पॉइंट, कोई भी डिफॉल्ट अगर तुम्हारा कंपनी किया है लास्ट 3 साल में इन रिगार्ड टू रिपेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एनी अदर डिफॉल्ट अगर हुआ है तो तुमको बोनस इशू करने नहीं मिलेगा. तो दीज आर द 4 कंडीशंस विच आर रिटन. लेट अस सी वन बाय वन एंड बी कन्विंस्ड. पढ़ो क्या बोला है. सेक्शन 63 सेज दैट कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अच्छा फुल्ली पेड अप, ये पे तो बोल दिया एक कंडीशन, फुल्ली पेड शेयर्स में ही फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स मिलेगा. To its members in any manner whatsoever, out of what? FR, SP and CRR, provided that no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserves created out of revaluation of. अच्छा सर, revaluation reserve तो free reserve है ही नहीं. हाँ है ना, revaluation reserve तो realized है ही नहीं. कोई भी realized gain ही free reserve हो सकता है. सोचो concept, realized gain and non-realized gain. Okay. Accounts. Okay, now. Okay, the conditions. देख लो conditions को एक बार देख लो. No company shall capitalize its profits or reserves for the purpose of issuing fully paid up bonus shares unless it is authorized by its articles. Number two, BR and OR. मैं बोला ना, ordinary resolution. Number three, no default in payment of interest. बोला ना, FD, debt securities, no default payment of statutory dues of employees. Employees ka paisa nahi diye, bonus de rahe ho. And contribution to PF gratuity bonus. And partly paid up shares agar hai to fully paid up karna padega. Clear hai? Okay. Now, section 66 I will do next class, I said. I will do section 67 as last. And agar thoda time rahe to 68 bhi kar lenge, uske baad paper dekhenge. Time bacha rahe. मतलब टाइम बचा नहीं रहे, टाइम थोड़ा अभी ज्यादा करेंगे. ओके, नाउ रेस्ट एक बार पढ़ना ये स्लाइड. आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस स्लाइड ऑन योर ओन वंस वेरी वेल, बहुत अच्छे से. बहुत इजी चीज लिखा है रेस्ट्रिक्शन के बारे में. You can mark this section as an important section for your exam.
इज इट क्लियर? ओके सर, ये सेक्शन क्या बोल रहा है थोड़ा समझाइए, ये इंपॉर्टेंट तो है। हाँ, रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन्स बाय इट, बाय इट का मतलब बाय कंपनी फॉर परचेज ऑफ इट शेयर्स, यानी कि एक कंपनी खुद का खुद शेयर्स नहीं खरीद पाएगा और खुद का शेयर्स खरीदने के लिए लोन भी नहीं दे पाएगा। क्लियर है? बोला सब सेक्शन वन lays down that no company limited by shares or by guarantee having a share capital shall have power to buy its own shares unless consequent reduction of share capital is effected under the provisions. Which provisions? Capital reduction is in section 66. Iska preceding section ka consequent reduction ka jo upay hai wo chhodke aur koi manner mein khud ka khud share nahi kharid payega. Clear hai? Now नो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहां पे ऊपर में बोला कोई भी कंपनी, नीचे में सेक्शन टू में बोल रहे कोई भी पब्लिक कंपनी, शैल गिव मतलब शैल नॉट गिव, नो कंपनी गिव मतलब शैल नॉट गिव वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाईलाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लोन या गारंटी या सिक्योरिटी और अदरवाइज any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase of subscription made or to be made by a person of or for any shares in the company. Koi person ko bhi financial assistance nahi dega khud ka share kharidne ke liye. Nahi to dekho har company kya karega, khud nahi kharidega, koi dummy person ko bithayega aur dummy person ko uska naam se khud ka share kharid ke rakh dega. It will be as good as or as bad as capital reduction which is prohibited by any company. Is it clear? So the thing is very clear, the thing is no company will do such a thing and is prohibited from giving financial assistance directly or indirectly, that is loan, guarantee or security or otherwise to any person to subscribe to its shares or purchase its own shares. Clear hai? Exceptions dekho, exceptions to section 67 dekho, exceptions, the lending of money by a banking company in ordinary course of business. बैंकिंग कंपनी है तो वो तो ऐसे ही उधार देता है कोई भी पर्पस के लिए, तो वो अगर उधार दे और उसका उससे उधार लेके कोई अगर ये खरीदे तो ये गलती नहीं, वो तो ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उसका काम है. नंबर बी, चार एक्सेप्शन है, पढ़ो. ट्रस्टीज, बोला कि अगर कंपनी का शेयर्स एज ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज और सच शेयर्स हेल्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी देन इट्स ओके, बट ये स्पेशल रेजोल्यूशन से होना चाहिए. यानी कि कंपनी का the provision is made by a company for lending of money in accordance with any scheme approved by the company through special resolution with such requirements as may be prescribed for the purchase of or of subscription for fully paid up shares in the company or its holding company. If the purchase or subscription for the shares held by the trustee for the benefit of the employees or such shares held by the employee of the company. मतलब बहुत आसान, बोला कि कंपनी अगर कोई स्कीम करके रखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ परचेज सब्सक्रिप्शन फुल्ली पेड अप शेयर्स को परचेज या सब्सक्राइब करने के लिए, एंड इफ द परचेज और सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए अगर किया है तो फिर चलेगा. एम्प्लॉय बेनिफिट तो बगल में लिख सकते हो. नंबर सी, थर्ड, बोला कि इफ गिविंग ऑफ लोन्स बाय द कंपनी टू पर्सन्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज को अगर लोन दे रहे अदर देन डायरेक्टर और केएमपी, और लोन भी कितना दे रहे, नॉट मोर देन 6 months वेजेस, वेरी गुड, विद अ व्यू टू एनेबल देम टू परचेज और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी टू बी हेल्ड बाय देम बाय वे ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप.
एक्सेप्शन है। अगर बेनिफिशियल ओनर वो लोग बनेगा, बेनिफिशियल ओनर मतलब किसी और का नाम से खरीदा, रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, तो फिर यहाँ पे भी कंपनी लोन दे सकता है, बट लोन कैन नॉट एक्सीड 6 months सैलरी एंड लोन कैन नॉट बी गिवन टू डायरेक्टर और KMP। क्लियर है? And lastly, bola, nothing in section 67 shall affect the right of a company to redeem any preference shares issued under act, yani ke section 55. Clear hai? Is it clear? Okay, let's do one thing. Let's first finish off the discussion of the paper, because kabhi kabhi discussion of the paper bahut time lag jata hai. To pehle wo discuss kar lete hai, uske baad samay bachega to utilize karenge. Theek hai? Okay, the answer I will discuss verbally. I will share the answer later on when I find it. Question paper we have. So let us discuss the questions and discuss the answers one by one and then evaluate the paper. And then later on I'll share the answers, and if time permits we will do section 68 also. Just a moment. Yeah, here's the question. Let us see. Question number one. So this was the first exam taken on Companies Act chapter 7 and one question from chapter 6. It was taken on the last class, and we will look at the questions and evaluate the answer script also at the same time. Okay, the first question. The first question, let me explain. KMN Limited scheduled its AGM to be held on 11th March 2018 at 11 a.m. The company has 900 members. On 11th March 2018, the following persons were present by 11:30 a.m. P1, P2, P3 shareholders. P4 representing ABC. P5 representing DEF. P6 and 7 as proxies of shareholders. Examine with reference to relevant provisions of Companies Act 2013 whether quorum was present in the meeting. That is the first question. So let us examine the first question. Firstly, let me tell you, in order to answer any case study based questions, we must and must start with the provision in law which is getting attracted. Here, the first section or the first provision of law is that of quorum. And quorum of a meeting is prescribed by section 103 of Companies Act. Section 103 of Companies Act says, unless the articles specify for a greater number, articles can specify for a smaller number. Okay, unless the articles specify for a greater number, the quorum, that is the minimum number of members who need to be there personally present at a meeting, depends on what type of company it is. If it's a private limited company, then the quorum should be 2. If it's a public limited company, then depends on the number of members of the public limited company. Up to 1,000. It is 5 members personally present. Hence, if we look at this company, KMN Limited, which is a public limited company and has 900 members, which is less than 1,000, the quorum should be what? 5. And in counting of the quorum, we take the members personally present, and also corporate representatives are also counted in quorum of a meeting, and that is why Companies Act section 112 and 113. Okay, so the answer could be, let us read the answer and evaluate also. Okay, as per provisions of Companies Act 103, minimum 5 members are required to be personally present. Very good keyword. Within half an hour of the scheduled time. Okay, so there's a scheduled time also, and these members were present by 11:30 a.m., which is within half an hour from the commencement of the meeting.
केस ऑफ द मीटिंग पब्लिक लिमिटेड सॉरी कंपनीज विद लेस देन 1000 मेंबर्स टू कंस्टिट्यूट कोरम. इन द गिवन केस देयर आर 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट P1, P2, P3, P4 एंड P5 विद इन हाफ एन आवर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड दीज 5 मेंबर्स विल फॉर्म द रिक्वायर्ड कोरम एंड स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. आई विल गिव यू 2 आउट ऑफ 2 but there is not 2, there are 4 secluded questions and 4 questions 4 marks. So I'll give you 1. Okay, now what will be your answer if P4 representing ABC Limited reach the meeting after 11:30 a.m? Of course the quorum will fail. So if P4 reaches after 11:30, then the minimum number of members required to form a quorum will not be satisfied and the meeting will be adjourned to the next week in the same time and place. Excellent answer. Adjournment of a meeting happens if quorum is not present within half an hour from the commencement of the meeting. Very good. Question number 3. In lack of quorum, discuss the provisions as applicable for an adjourned meeting in terms of date, time and place. The answer should be, if the quorum is not present within half an hour from the commencement of the meeting shall stand adjourned to the next week, same time, same place, unless otherwise agreed. And the members present in the adjourned meeting will constitute the quorum even if they don't, they are not present. Okay, so in case of absence or lack of quorum, the meeting is adjourned to next week in the same time and place, but the unless otherwise agreed, of course you have to write that, but the adjourned meeting can be called before by giving at least 3 days prior notice to the members who are entitled to attend the meeting. No, in which case? In a case where they want to adjourn it to a different time and place. You have to mention that. So I give you half. Okay, what happens if no quorum is present in the adjourned meeting? If there is no quorum in the adjourned meeting as well, then number of members present will form the quorum and precede the meeting. I should give you half because you have written number of MPP. What is the meaning of MPP? No one knows. I wrote above in bracket, that's why. Members first to be present MPP. That's why I wrote MPP over there. Bracket me, you haven't written. You have written MPP within bracket P1, P2, P3, P4 and P5. Oh, I was actually supposed to write MPP. Right. Are you getting me? Am I just? Yes. Okay, thank you. Question 2. You get 3, which is good. Out of 4, 3, which is good. Impressed. Question 2. Let us read. X, a member of LKM Limited, is holding 250 shares which are partly paid. Okay, so he's a shareholder who's holding partly paid up shares. The company held the general meeting where voting right was denied to X, claiming he has not paid the calls, which is good. Call scenario section 106. Examine the validity of company's denial to X with reference to the relevant provisions of Companies Act, assuming that articles of company do not restrict the voting right of such members. Okay, it's a tricky one. Section 106 needs to be recalled before writing such an answer. What does section 106 state? It states two subsections are there. 1061 1062 1061, that a company can restrict the voting rights of a member only in 3 cases. Number 1, when the calls are due, which is call scenario CIA. Number 2, when any other amount is payable to the company, that is, you know, he has borrowed something or you know, the company has sold him goods on credit. And lastly, the company has exercised a right of lien over the shares held by the member. Okay, so you have written all the conditions. Okay, as in the given
case, facts of the case, X has not paid the calls on the shares, the company can restrict his voting right only if the articles of the company permits them to restrict. Okay. If the articles authorize. Since the articles of LKM do not restrict voting, do not restrict voting right of such member, X cannot be restricted from voting in the general meeting. Thus, the contention is incorrect. You get full marks. Okay. Question 4. Question 3 first I'll discuss and then I'll talk about question 4. Serially, we will finish. You haven't answered, but I need to answer. Okay. Due to heavy rains. Oh, section 92. Due to heavy rains and floods, Chennai Handloom Limited, which is a public limited company, was unable to convene annual general meeting up to 30th September 2017. So, within due date of AGM. The company, what should be the penalty? Under which section? Section 99. You recall, the company has not filed annual financial statements or annual return, which is MGT 7 and AOC 4. AOC 4 we haven't covered because we haven't covered section 9, sorry, chapter 9. Okay, but I told you this was also a condition of section 43. Recall, filing of, default in filing of annual statements, yes. Okay, the company has not filed the annual financial statements or annual return as the directors of the company are of the view that since the AGM did not take place, the period of 60 days for filing annual return is not applicable and thus there is no contravention of section 92. Discuss whether the contention of directors is incorrect. Okay, main bata du, sawal ko ek bar Hindi mein padhte hain, samajhte hain facts ko. एक कंपनी था जिसका ड्यू डेट फॉर होल्डिंग एजीएम 30 सितंबर जो ज्यादातर कंपनी का जो रहता है 30 सितंबर 2017 तक ये कंपनी एजीएम नहीं होल्ड कर पाया और एजीएम ना होल्ड करने के वजह से डायरेक्टर लोग इसका एओसी 4 यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एमजीटी 7 यानी कि एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के तहत फाइल नहीं किया. फाइल ना करने का कारण ये लोग दिया, बोला कि एजीएम नहीं हुआ तो ये फाइल करने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फाइल करने का डेडलाइन इज लिंक्ड विद होल्डिंग ऑफ एजीएम. बट आई विल से इफ वी रीड सेक्शन 92 व्हिच टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न और एमजीटी 7, इट स्टेट्स दैट एनुअल रिटर्न और एमजीटी 7 शैल बी फिल्ड within 60 days from the date of holding AGM or 60 days from the day when AGM was due to be held. Yaane ke AGM chahe hold ho ya na ho, 7 din ke andar andar bharna padega. Yaane ke directors are incorrect again. Theek hai, ye answer जो लिखा है उसको फुल मार्क्स मिलेगा, जो नहीं लिखा है उसको जीरो मिलेगा. नो वरीज, कभी कभार होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चैप्टर 6 से उठाया हुआ सवाल है. बोल रहा है कि चार्ज क्या है समझाइए, एक्सप्लेन द टर्म चार्ज. इट्स अ बिग क्वेश्चन बिकॉज 6 मार्क्स है. एंड स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच necessity to create charge arises. And section 77 ka ek sawal hai, what is the time limit for registration of charge with a registrar. To isme pura jo hum log padhe the section 77 and meaning of the word charge with the definition of the meaning charge, definition of the term charge as per Companies Act section 2 subsection 16 has to be given. To dekho, very good, section has been given. As per section 2 subsection 16, where an interest or a lien is created on the property or asset of the company or its undertaking or both and includes a mortgage is a charge. A charge shall be registered within 30 days of its creation with the ROC along with the instrument creating such charge and prescribed fees.
In case the company fails to register a charge within 30 days, then the charge holder shall register it with the registrar within the next 30 days. Very good. Next 300 days. No, next 30 days. Okay. The company, if fails the register the charge, fails to register the charge within 30 days, may register it with the registrar within 300 days of creation, along with instrument creating of charge and additional fee payable for the delay. In case the company further fails to register within 300 days, then it must give a satisfactory reason to isme hi dena tha 300 din ke andar. And central government wala section 87 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चार तो दे दूंगा. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. 3 मोर क्वेश्चंस टू बी डन. मिराज लिमिटेड, मिराज लिमिटेड क्या है ये 5 क्या उसके बाद ही लिखा क्या. Mirage Limited held its AGM on 15 September 2018. The meeting was presided over by the chairman of the company, Mr. Venkat. On 17 September 2018, chairman, without signing the minutes of the meeting, left India to look after the father who fell sick in London. Bola, signing of minutes, yani ke section 118, kaun kar sakta hai, kaun nahi kar sakta hai. Referring to the provisions of Companies Act, examine the manner in which minutes of the above meeting are to be signed by in the absence of Mr. Venkat and by whom. Provisions of section 118, the minutes of the meeting must be signed by a chairman of the meeting within 30 days of the conclusion of the meeting. In case chairman is unavailable for signing, then any person otherwise authorized by the board, authorized by him, nahi, authorized by board hoga. Or company secretary of the and company secretary or any director of BOD. Thoda sa garbara gaya. In the given facts of the case, Mr. Venkat, chairman, without left India. नहीं, इसमें आपको एक ही मिलेगा. हाँ, गलत नहीं, incomplete है. गलत नहीं, आप गलत कुछ नहीं लिखे, but incomplete. Okay, confidently वो लिखना पड़ेगा. Answer all था ना? अब 7 नहीं कर पाए, टाइम नहीं था. 7 तो आसान था. ओ नेक्स्ट पेज ना. हाँ हाँ, वेरी गुड. ओके, अ जनरल मीटिंग वाज शेड्यूल, क्वेश्चन नंबर 6, टू बी हेल्ड ऑन 15 अप्रैल 2018, 3 बजे. प्रॉक्सी, एज पर नोटिस, द मेंबर्स हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी. द प्रॉक्सी फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड शुड बी सेंड टू द कंपनी सो एज टू रीच within 48 hours before the meeting. Of course, Mr. X, a member of the company, appoints Mr. Y as his proxy, and the proxy form dated 10-4-2018 was deposited with the company at the registered office on 11-4-2018. Okay. Similarly, another member, Mr. W, who gives 2 separate proxies to 2 individuals named Mr. M and N, M deposited 12 tarikh and N deposited 14 tarikh. All the proxies Y, M and N were present before the meeting. According to the provisions of Companies Act, who would be persons allowed to represent as proxies for members X and W? Of course, Y is a valid proxy. Yes or no? Y is a valid proxy, no question of it. M and N may, of course, M is a valid proxy. So Y and M are valid proxies. Okay, I have seen your answers, so I'm not reading it. Okay, but I will read it for the sanity of the answer. As per provisions of proxy vs QCP section 105, any member who is entitled to attend and vote in a general meeting shall have the right to appoint a proxy who may attend the meeting, but the proxy cannot speak and cannot vote by show of hands in the meeting. Section 105 also states that proxy appointed 48 hours before the meeting is valid, even if the articles provide for a longer duration. Thus, proxy appointed is informed to company in less than 48 hours before the commencement of the meeting is not valid. Thus, in the given facts of the case, Mr. X
and Mr. N on or before 13th April 3 p.m. are valid. Thus, in the meeting, Mr. Y, proxy of Mr. X, and Mr. M, proxy of Mr. W, would be allowed to attend the meeting by vote by poll, but they cannot speak and vote by show of hands. Excellent. Six out of six. This is how marking should be done. If you are. Question 7. Examine the validity of the following with reference to the relevant provisions of Companies Act. BOD of SEBI Limited called an EGM upon the requisition of the members, which is called. However, the meeting was adjourned on the ground that the quorum was not present. Kya wo meeting adjourned ho payega? Bolo. Meeting by requisitionist mein agar quorum nahi hai, to nahi ho sakta. Very good. So let us see how you have answered. As per provision of Companies Act, a meeting called upon by the requisition of members cannot be adjourned for the shortage of quorum. If the minimum number of members to form quorum was not present, thus the company should not call the meeting adjourned, and the director should call off the meeting. Okay, very good. 2 out of 2. Last question. In an AGM of Vrinda Limited having share capital, 80 members present in the person or by proxy holding more than one tenth of the voting power demanded for poll. Okay. The chairman of the meeting rejected the request on the ground that only members present in person can demand for poll. He is correct, because demand for poll is to be done by. Yeah. Good. Total marks is 4 plus 6, 10 plus 1, 11 plus 4, 15, 15 plus 4, 19, 19 plus 3, 22. 3, na? So 3 plus 4 plus 4 is 11 plus 1, 12, 12 plus 6. 18 plus 4, 22. Which is very good. Out of 32. Well done, but it was easy. And you can do much better with tougher paper also. Thank you for attending today's class, because we have only 5 minutes. So we will meet the other day. I will try and share the answer once again on soft copy in group. We are meeting on Monday. On Monday, we have Contract Act, and maybe we can start with Negotiable Instrument Act on Monday itself, because we can have some surplus time after Contract Act. Okay, thanks for attending. And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही country में, आपने सही profession चुना है. There will be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's no shortcut to success. Seriously, there's no shortcut. एकदम chill मार के पढ़ो, normal. Seriously. मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है, उसको अपनी ताकत बना लो. आप कितने घंटे पढ़े is not the main thing. It's about आपने उस घंटे में कितना achieve किया. Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons, you have made a choice. Based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट किया. CA is not easy than 10th or 12th class. Thank you.
Sanya Saraf Educational Institute ki much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country bas khatam ho chuki hai aur ab hum ek ek karke hamare students se baat kar rahe hain kis tarah unhone inspiration li hai hamare top rank holders se. बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था एंड आफ्टर स्पीकिंग टू द रैंक होल्डर्स वी हैव लर्न न्यू स्ट्रैटेजीज टू प्रिपेयर फॉर आर इंटर एंड फॉर आर सीए कोर्स. एक चीज़ ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास होना है, जितना अच्छा हो सके आगे सब अपने आप. Sanjay sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method and the way he teaches is a very informal one. So students kindly, like, you know, get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well. And just study the notes and you clear the exams really well. That's it. Today I learned that aap jo deserve karte ho uske liye prepare karo. Marks ke bare mein mat socho. Marks ka jhak maar ke aayenge. Inse milke pata chala ki matlab padhai kaise aage karna hai. Motivation bhi mila. कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक वन ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं. मतलब